वेलकम बैक आज की क्लास में आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो की ट्वेंटी इम्पोर्टेंट एम का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है टेस्ट को अटेम्प्ट करें बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ आउट ऑफ ट्वेंटी आपने कितना स्कोर किया मुझे भी कमेंट बॉक्स में राइट करें सो बेस्ट ऑफ लक रॉक द टेस्ट सो हेयर इज क्वेश्चन फर्स्ट वेयर वॉज द पोएट सिटिंग पोएट कहाँ बैठा हुआ था अंडर ए नीम ट्री इन ए पार्क नियर द रीवर अंडर ए हेमलोक ट्री सेलेक्ट योर ऑप्शन आफ्टर वर्ड्स मैचर आंसर विद माई आंसर एंड आई होप यू हैव सेलेक्टेड सो राइट ऑप्शन इज अंडर अ हेमलोक ट्री ऑप्शन डी हाउ डिड द पोएट फील दैट डे उस दिन पोएट कैसा फील कर रहा था एक्साइटेड

बी सोरो वॉट डिड द क्रो डू टू द हेमलोक ट्री क्रो कोए ने हेमलोक ट्री पर क्या किया था डेस्ट्रॉयड इट इसको ख़राब कर दिया था लेड एक्स ऑन इट उस पर अंडे दिए थे बिल्ड ए नेक्स्ट ऑन इट उस पर अपना नेक्स्ट उसने प्रिपेयर किया था शो इट उसने उसको हिलाया था वॉट ही डिड सेलेक्टेड सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शो इट वॉट हैज़ लेट टू ए चेंज इन पोएट्स माइंड पोएट क्योंकि उस दिन सैडी सैडी था तो उसके मूड को किसने चेंज किया था हिज लवर डस्ट लिटिल डस्ट ऑफ स्नो जो स्नो बर्फ है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ने अब मोटिवेशनल थाट एक मोटिवेशनल थाट ने सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लिटिल डस्ट ऑफ स्नो वॉट हैज दोएट लॉस्ट पोएट क्या खो चुका है

select your answer selected right answer is option c when dust of snow fell on him jab crow ped ko shook karta hai hilata hai aur uske upar snow ke particles girte hain what did the poet think of the day before the dust of snow fell on him poet ke upar स्नो के डस्ट पार्टिकल गिरने से पहले पोएट ने क्या सोचा था His day was useful. It was pleasing. इट वॉज़ रियूम्ड इट वॉज चीयरफुल इनमें से कैसा दिन उसके अकॉर्डिंग था सेलेक्ट योर ऑप्शन सो राइट ऑप्शन इज इट वॉज रियूम्ड ऑप्शन सी वॉट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रस्ट यूज एज कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी रॉबर्ट फ्रस्ट ने वो कौन से दो नेगेटिव क्रिएचर्स यूज़ किए हैं जो पॉजिटिविटी लेकर आते हैं पोएट के लिए हेमलोक ट्री स्नो स्नो डस्ट हेमलोक ट्री क्रो स्नो क्रो यस सेलेक्टेड सो ऑप्शन सी द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रियूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियूड रियूड का मीनिंग क्या है यहाँ पर रियून रूल्ड इन रिग्रेट यस सेलेक्ट योर ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ट्राई सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हेल्ड इन रिग्रेट जो हमारा पोएट है उसको थोड़ा पछतावा हुआ था कि उसका हाफ पार्ट ऑफ द डे जो है वो रिवेंड हो गया खराब हो गया था द हेमलॉक ट्री एंड क्रो सिम्बोलाइजेज फॉर हैप्पीनेस सोरो सेलिब्रेशन डेथ सेलेक्ट योर ऑप्शन इट इज सो इजी क्वेश्चन सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सोरो दुख के लिए वॉट डेट फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो चेंज जो स्नो के पार्टिकल्स जब पोइट पे आके गिरते हैं तो क्या चेंज करते हैं क्रोज नेस्ट क्रो के नेस्ट को ट्रीज लीव्स पोएट्स मूड और वेदर वेरी इजी क्वेश्चन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पोएट्स मूड वॉट इज द रैम स्कीम ऑफ द पोयम्स पोएम की रैम स्कीम क्या है ऑप्शन ए option b option c option d i think you have selected so rhyme scheme of the poem is option b a b a b c d c d name the poetic device used in the line and saved some part simile alliteration oxymoron metaphor select your answer so right option is ऑप्शन बी एलिट्रेशन एलिट्रेशन कैसे होता है यहाँ आप आउट कर सकते हैं एंड सेव्ड एस ए एस ओ एम सम तो यहाँ कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड आ रही है जहाँ कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड की रिपीटेशन होती है उसे एलिट्रेशन कहते हैं और जहाँ पे वावल्स की साउंड की वर्ड की रिपीटेशन होती है उसे एजोनेंस कहते हैं हुज पार्ट ऑफ द हैज़ बीन सेव्ड किसके दिन का पार्ट बचाया है? जा चुका है पोएट्स मदर पार्ट ऑफ द डे

ट्राई याइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रियूड फाइंड द नेम ऑफ ए पाइजनियस प्लांट फ्रॉम द पैसेज कौन से पाइजनियस प्लांट का यूज किया गया है डस्ट ऑफ स्नो हैमलॉक ट्री क्रोज ट्री इंग्लिश ट्री सेलेक्टेड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हैमलॉक ट्री ऑफ वॉट चेंज डज द पोएट मैंशन हेयर पोएट ने किस चेंज को यहाँ मैंशन किया है चेंज ऑफ वेदर चेंज ऑफ सीजन चेंज ऑफ मूड चेंज ऑफ पीपल विच वन सेलेक्टेड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी चेंज ऑफ मूड नेम द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ स्नो के पोएट का नाम बताना है लेस्ली नॉरिस लियम ओ फ्लैरिटी जीएल फस

सेलेक्टेड तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सो योर टेस्ट इज ओवर एंड आई होप आपने टेस्ट को एन्जॉय किया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी कंप्लेंट एनी सजेशन देन राइट मीन कॉमेंट बॉक्स अगर आपने डस्ट ऑफ स्नो की एक्सप्लेशन वीडियो नहीं देखी है तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है क्लिक कर कर आप देख सकते हैं आपको पोइम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी